प्रिय मंदिर वृंदावन का मनोरम दृश्य। अनूठा संकलन 30,000 टन ईरानी पत्थर मार्बल से बनाया गया, ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित पूरा प्रेम मंदिर। इसके सामने ताजमहल कुछ भी नहीं है, इतना सुंदर है ये मंदिर। मैंने ये पूरा मंदिर अंदर से देखा, दो फ्लोर में बटा हुआ है, नीचे फ्लोर सेकंड, फर्स्ट फ्लोर में सीधे नीचे राधा कृष्ण जी का विग्रह, उनकी मूर्ति और उनका दर्शन, और सेकंड फ्लोर पे भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन होते हैं इसमें। और इतना अच्छा अंदर, इतना अच्छा बाहर, क्या बात है। बताया जा रहा है करीब 54 एकड़ भूमि में ये मंदिर बना हुआ है, और इतनी अनूठी चित्रकला इसमें है कि क्या कहें। बताया गया है कि ये मंदिर 30,000 टन इटालियन करारा मार्बल का इसमें प्रयोग किया गया है इसको बनाने में। इसके अलावा करीब 54 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है, और इसकी जो दीवारें हैं, जो बाहरी दीवारें हैं, उन पर 83 पैनल में श्रीमद् भागवत गीता महापुराण के प्रवक्ता श्री सुखदेव परमहंस का मंदिर में विराजमान होना सिद्ध करता है कि प्रेम मंदिर श्रीमद् भागवत का मूर्तिमान स्वरूप है। और इस मंदिर की जो खासियत है, मैं दो की आपको और बताता हूँ कि प्रेम मंदिर में पूर्वती चारों जो हमारे जगतगुरु हुए हैं भारत में, विभिन्न ब्रज रसकों का एक साथ विराजमान होना श्री महाराज जी के समन्वयवादी सिद्धांत की पुष्टि करता है। इसलिए जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर चारों जगत गुरुओं का मूर्ति बनी हुई है, और बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। 3D में मूर्तियाँ, 3D में मूर्तियाँ वो भी, और मूर्तियाँ इस तरह से बनाई गई हैं जैसे पूरे जीवंत लगती हैं वो मूर्तियाँ, ठीक है। और अभी तक मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर कोई मंदिर देखा नहीं। ये पीछे का दृश्य है, ये इस मंदिर का पीछे का दृश्य है, हमने फ्रंट से वीडियो बनाने शुरू की थी। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रवेश द्वार का दृश्य है, ये जो आप देख रहे हैं, ये श्री श्री जो 1008 जगत गुरु कृपालु जी महाराज हैं, उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी, और इस मंदिर की नींव जो रखी गई थी सन 2000 में रखी गई थी, और सन 2010 में ये मंदिर लगभग पूर्ण हो चुका था, और इसकी कलश की स्थापना सन 2010 में कर दी गई थी। लेकिन सन 2012 में ये मंदिर पूर्ण रूप से हम सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया, और तब से इस मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा आती है। आज भी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, आज भी 10,000-20,000 लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस मंदिर में चारों तरफ। मैं एक बार आपको भीड़ से दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको एक बार थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने श्रद्धालु आए हुए हैं। वो देखिए आप लोग, मुख्य द्वार जहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं, देखिए भीड़, भीड़ का नज़ारा देखिए आप लोग एक बार, कितने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मंदिर का और इस साइड का हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये नीचे से, ये चबूतरे से लेकर प्रथम तल होते हुए सेकंड तल और ऊपर तक मंदिर की चोटी, जहाँ पे कलश स्थापित है लास्ट में पीला रंग का आपको दिख रहा है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। उस साइड से मुख्य गेट की तरफ से मंदिर का दृश्य है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसको आपके लिए थोड़ा इस तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देख सकते हैं आप कितना मनोरम दृश्य है। ये जब हम मेन रोड से जब अंदर आते हैं मंदिर तरफ, तब प्रवेश द्वार से ये ऐसा दिखता है मंदिर, देख लीजिए एक बार। मैं आपको संपूर्ण मंदिर दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से लेकर ये आपका, ये इस तरह से, ठीक है। ये अब आप फिर से एक बार प्रवेश द्वार को सभी लोग देख लीजिए, वो हमारा मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए ये श्रद्धालु आ रहे हैं लगातार, देख पा रहे होंगे आप,
और इसके बाद दर्शन करते हुए मंदिर की चारों ओर परिक्रमा कर श्रद्धालु फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारा मतलब उसमें दिखाया जो कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया है, चारों तरफ जो मूर्तियां बनी हैं इसमें कृष्ण जी के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है कि कैसे नंद जी उनको लेकर आए थे गंगा जी में, कैसे ये नाग देवता ने उनके लिए ढका था, उनके चरण स्पर्श किए थे, तो ये सारी चीज़ें चारों तरफ से इसमें दिखाई गई हैं। तो साथियों कैसा लगा आपको जीवंत, मैंने आपको श्री वृंदावन धाम के प्रेम मंदिर के पूरे पूरे दर्शन करा दिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर भी और इस मंदिर को देख कर भी। देख लीजिए एक बार, आपको मैं फिर से संपूर्ण मंदिर का दर्शन करा देता हूँ। बोलिए जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण।